जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाला है PTI भर्ती 2022 के बारे में। हालांकि जो आपकी अपात्र सूची को लेकर जो अपडेट थी वो बिल्कुल हम शाम को लाइव सेशन के माध्यम से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनको साथियों शामिल कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद में आपके जो साथी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से साथियों एक आग्रह किया गया है कि वो दिनांक 19 को कुछ मूवमेंट करने जा रहे हैं जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। तो पूरा साथियों यहाँ पर सीन क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि एक मूवमेंट निर्धारित किया है कि ये बीकानेर निदेशालय से लेकर जयपुर में जो CMO आवास है वहाँ तक साथियों इन कैंडिडेट ने एक जो पदयात्रा है उसका साथियों इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, जिसमें सारी चीज़ें आप इस पत्र को पढ़ भी सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसमें क्या किया है कि इन्होंने सारी चीज़ें दी हैं कि भाई अपात्र की सूची इतने दिन के बाद में भी आपकी जारी नहीं हुई है, तमाम जो सबूत हैं वो भी यहाँ पर बीकानेर निदेशालय को उपलब्ध करवाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद नहीं करवाए गए हैं। तो इन्होंने ये आग्रह किया है कि चार जो प्रमुख मांगे हैं इन्होंने CMO आवास से ये रखेंगे जब ये पदयात्रा निकाल रहे हैं 19 तारीख को मंगलवार को, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। तो इसमें इन्होंने बताया है कि बिल्कुल एक तो जो वंचित अभ्यर्थी हैं जो वैलिड हैं उनके नियुक्ति आदेश हैं वो जल्द से जल्द जारी हों। दूसरा, इन्होंने बताया कि फर्जी अभ्यर्थी जिनका विवरण पूर्व में श्रीमान जी आपको दिया जा चुका है उन फर्जी कैंडिडेट की लिस्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर तुरंत विभाग जारी करे। इसके बाद में तीसरी जो इन्होंने देखिए एक लिस्ट भी निकाली थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के जो अपात्र सूची के कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो बिल्कुल अभी तक जारी नहीं हुई। तो इन्होंने ये मांग भी की है कि जो NCT द्वारा प्राप्त शैक्षणिक और संस्थान या विश्वविद्यालय नहीं है उसे जो कैंडिडेट शैक्षणिक योग्यता लेकर आए हैं उनकी साथियों यहाँ पर जो नियुक्ति है वो निरस्त की जाए, ठीक है। और चौथा, इन्होंने जो मेन पॉइंट है वो ये लिया है कि अपात्र सूची है इसके नाम पर एक खानापूर्ति ना करें, प्रॉपर जो अपात्र सूची है जो इनवैलिड कैंडिडेट है बिल्कुल उनको बाहर किया जाए। ये चार प्रमुख मांगे हैं। और इसके संबंध में ये देखिए, आपके जो सभी साथी हैं जो धरना स्थल पर हैं या फिर यूं कहें इस भर्ती के लिए अप्रयासरत हैं, वो 19/12/2023 यानी मंगलवार को प्रातः 11 बजे से यहाँ पर बीकानेर निदेशालय के सामने से लेकर यहाँ पर साथियों और मुख्यमंत्री आवास तक ये साथियों मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहाँ तक ये पदयात्रा निकालने वाला है। तो जो भी साथी यहाँ पर देखिए अब बिल्कुल अकेले से वो बोलते ना अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। हालांकि देखिए बीकानेर निदेशालय भी काम कर रहा है लेकिन हमें अपनी तरफ से भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं साथियों आगे रखनी होंगी। तो बिल्कुल हो सकता है कि कुछ मेहनत आपको करनी पड़े, लेकिन जो कैंडिडेट जा सकता है और ख़ास करके अगर कोई बिल्कुल अगर आप जा सकते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए साथियों यहाँ पर बेनिफिट करने वाला है। आपकी जो चीज़ें हैं वो सामने आपके आएंगी कि जो रिजल्ट्स जो आप मेहनत करेंगे वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। और यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में कि हम कॉन्टैक्ट कहाँ पर करें, तो कॉन्टैक्ट के लिए ये साथियों यहाँ पर राम रतन जी हैं जो वहाँ पर लीड कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप जा सकते हैं बीकानेर निदेशालय में धरना स्थल पर ये सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल समय 19/12/2023, दिनांक 19/12/23 और साथ में समय आपका प्रातः 11 बजे से ये मूवमेंट स्टार्ट होगा।